सभी को प्रणाम। आज आसनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आसन ऐसे तो भगवान शिव ने लगभग 84 लाख आसनों की चर्चा शिव संहिता में की है। कुछ ऋषियों ने 84 लाख आसन बताए हैं, कुछ ने 84 आसनों को ही महत्वपूर्ण बताया है, और महर्षि घेरण ने तो 32 आसनों को ही प्रमुख माना है। फिर स्वात्मा राम जी ने 15 आसनों की चर्चा की है। तो ऐसे बहुत सारे आसन बताए गए हैं, और महर्षि पतंजलि ने सिर्फ आसनों की परिभाषा दी कि स्थिर सुखम आसन, अर्थात जिसमें स्थिरता हो, सुख मिले, वही आसन है। तो हम बात करते हैं आज आसनों के बारे में। तो आसन मुख्य रूप से हम प्रकारों की अगर चर्चा करें, बात करें, तो 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला ध्यानात्मक आसन, जिसमें हम पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन, सिद्धासन को रखते हैं। फिर उसके बाद संवर्धनात्मक आसन में हम सर्वांगासन, हलासन, उत्तरासन, सूर्य नमस्कार, प्रज्ञायोगासन और आपके शल्भासन, ये जितने भी आसन हैं उसको हम रखते हैं। अर्धमशेंद्रासन, पूर्णमशेंद्रासन, वक्रासन, वृक्षासन, ये जो भी आसन है ये संवर्धनात्मक आसन में इसको हम रखते हैं। इसके बाद आप देखें तो विश्राम आसन में हम मकरासन को, शवासन को रखते हैं, अर्धोदासन को रखते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से शरीर को रिलैक्सेशन देते हैं, विश्राम देते हैं, पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं। तो ये आसनों की कैटेगरी के बारे में हमने चर्चा की। तो आज हम केवल आपको आसन करके बताएंगे जो ध्यानात्मक आसन है, जैसे सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन को किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसके लाभ क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अन्य आसनों को भी लेंगे। सबसे पहले आइए सुखासन की बात करते हैं। सुखासन में हम दोनों पैरों को आलती फालती मार करके आराम से किसी स्वच्छ स्थान पे बैठते हैं। स्वच्छ स्थान पे बैठने का मतलब है कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध वहां का जो भी एक्टिविटी ना ज्यादा हो हल्ला हो, एकदम शांत वातावरण हो, तो वहां पे अगर हम बैठ करके थोड़ा ध्यान करते हैं तो हमारा मन थोड़ा जल्दी लगता है और फिर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो सुखासन में हम दोनों पैरों को आलते पालती मार करके बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को या तो गोद में रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, या हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं, और दोनों आंखों को सहजता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये हुआ सुखासन, इसमें हम बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, इसमें घंटों घंटों तक बैठा जा सकता है। थोड़ी सी अभ्यास से इसको अच्छा और लंबे समय तक हम ध्यान में बैठ सकते हैं। ये आसन हर कोई कर सकता है, और ये आसन करने से हमारा मन, हमारा तन दोनों निरोगी होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन के लिए हम राइट पैर को लेफ्ट पैर के थाई पर रखते हैं, और लेफ्ट पैर के जो हमारा अंगूठा है इसको हम पैर के अंदर से ही डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये अंगूठा ऊपर को आ गया है ये, और आराम से सहजता से इसमें अभ्यास कर सकता है। ये महत्वपूर्ण ध्यानात्मक आसन है, और इसमें हम ज्ञान मुद्रा लगा ले या ध्यान मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ये स्वस्तिक आसन है जिसमें हम ध्यान करते हैं। आकार स्वस्तिक के तरीके से हमारा शरीर का ढांचा बन जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वस्तिकासन है। स्वस्तिकासन से हमारा मन शांत तो होता ही है, हमारा शरीर का विकास भी होता है।
स्वस्तिक हर शुभ कार्य में हम उसके प्रतीक को बनाते हैं, चिन्ह को बनाते हैं, ताकि हमें प्रकाश और उल्लास मिले और हमें एक नई प्रेरणा मिले, नई ताजगी मिले। तो आप इस आसन में बैठ करके ध्यान करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। और इस आसन को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इस आसन को करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो आप सुखासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम पद्मासन का चर्चा करते हैं। पद्मासन के लिए हम क्या करेंगे, सहजता से बैठे हैं, उसके बाद हम राइट पैर को उठा करके लेफ्ट पैर के थाई पर रख लेते हैं और राइट पैर को उठा करके लेफ्ट पैर के थाई पर हम रख लेते हैं। उसके बाद आप ध्यानात्मक पोश कर लेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर या दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और सहजता से आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ये अभ्यास महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा शरीर का आकार कमल के समान बनता है, इसलिए पद्म आसन इसको कहा जाता है। पद्म, आपने कई सारे पद्म भूषण के नाम से सम्मान दिया जाता है, तो उसी प्रकार जब हम इस आसन में बैठ करके ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। जिस प्रकार सम्मान मिलता है पद्म भूषण का, उसी प्रकार इस आसन अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी सम्मान मिलता है और आपका जीवन भी शानदार हो जाता है। तो इस आसन का अभ्यास 5 मिनट से स्टार्ट करके और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। इससे हमारा मन जल्दी शांत होता है, जल्दी कॉन्सेंट्रेट होता है। पढ़ाई अगर हम करते हैं तो जल्दी याद होता है, तो इस आसन में बैठ करके पढ़ाई भी किया जा सकता है और ध्यान भी किया जा सकता है। इस आसन को करने मात्र से हमारा जीवन प्रकाश में, उल्लास में हो जाता है, तो इसका अभ्यास आप जरूर करें। अगर आपके पैरों में दर्द है, घुटने में तकलीफ है, तो इस आसन को न करेंगे। जब आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाए, पैरों का दर्द ठीक हो जाए, तो इस आसन को आप करें। अगर पैरों में दर्द नहीं है तो आप धीरे धीरे आप प्रयास करें, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट पैर को चढ़ाएं, फिर राइट पैर को चढ़ाएं, ऐसे ही बार बार अगर चढ़ाएंगे उतारेंगे, चढ़ाएंगे उतारेंगे, तो आपका अभ्यास बन जाएगा और धीरे धीरे आप लंबे समय तक इस आसन में बैठ सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हम सिद्धासन की चर्चा करते हैं। सिद्धासन के लिए हम लेफ्ट पैर को अपने शिवनी के पास रखते हैं और फिर राइट पैर को हम उठा करके टखने से टखने को मिलाते हुए उसके ऊपर रख लेते हैं। फिर शरीर बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन सीधा करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें या ध्यान मुद्रा में रखें और आराम से सहजता से बैठ जाएंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े, लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े। जब हम इस आसन में बैठ करके लंबी गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, भावना करते हैं कि हमारा शरीर शांत हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा जीवन का हर एक अंग अंगों का विकास हो रहा है, हमारा जीवन प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसा भाव करने मात्र से हमारा जीवन प्रकाशमय, उल्लासमय होता हुआ चला जाता है। इस आसन का सिद्धासन नाम इसलिए पड़ा है कि इस आसन को करने से और इस आसन में बैठ करके ध्यान करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सिद्धि आपको मिलती है, आप अगर लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो ध्यान आपका सिद्ध होता है, आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी योगदान आपको इस आसन से मिलता है। ये सिद्धों द्वारा किया गया अभ्यास और बताया गया अभ्यास है, तो इस अभ्यास को आप जरूर करें और ये महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसको सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घुटने में तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, अन्यथा नॉर्मल अगर घुटने में दर्द है तो इसको किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। और ये ध्यानात्मक आसन है, इसका अभ्यास आप
5 मिनट से स्टार्ट करें और 10 मिनट 15 मिनट और लंबे समय तक घंटों घंटों बैठ करके इस में हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ध्यान का जो आसन अभ्यास था, ये था। तो आइए ओम ध्वनि के साथ समाप्त। ओम शांति शांति शांति। लगे प्लीज टू लाइक और शेयर जरूर करें।